हाँ दोस्तों, आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत। और जो मैंने आज लिखा है, नो योर इन्वेस्टर्स। आप यदि रियल स्टेट का काम कर रहे हो, रियल स्टेट एजेंट के तौर पर काम कर रहे हो, तो आपके इन्वेस्टर्स कैसे हैं उनके ऊपर ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपने किस किस बातों का ध्यान रखना है। यदि आप इन्वेस्टर आपको चाहिए तो इन्वेस्टर्स में भी आपने अपनी मर्जी के मतलब इन्वेस्टर की क्वालिटी के हिसाब से, कई इन्वेस्टर होते हैं पैसा खूब होता है लेकिन टेम्परामेंट शॉर्ट होता है उसका, गुस्से हो जाते हैं एक मिनट में, जिस दिन गुस्सा हो गए तो उन्होंने अपना दिन भी खराब और आपका दिन भी खराब। और कई बंदे ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत छोटे दिल के होते हैं, या ऐसे लगा लो कि कम पैसे कमाने वाले आपका इन्वेस्टर हो सकता है। आप कई बार ऐसे आपके पास इन्वेस्टर आ जाता है जो कम पैसे कमाता है और वो उसका मन करता है कि मैं इनके साथ पैसे लगा के पैसा कमाऊं, लेकिन वो इन्वेस्टर आपको परेशान भी बहुत करते हैं। जो इन्वेस्टर ज्यादा पैसे जिसके पास नहीं है, पैसा कमाना तो हर एक बंदा चाहता है, लेकिन जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं वो आदमी कहीं ना कहीं हमें परेशान भी करता है। मैं अगस्त महीने में हमारे पास ट्रेनिंग हुई थी, ट्रेनिंग में एक लड़का आया था रोहतक से और उस बंदे ने मेरे को कहा कि हम आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 15 लाख रुपए के आसपास। 15 के बजाय उन्होंने 5 लाख रुपया करा, क्योंकि उसका बाप आ गया, उसका बाप उस टीचर है, कहीं पर रिटायर्ड टीचर है, तो वो बीच में आ गया। और बीच में आने के बाद ना उसको बच्चे को कुछ करने दिया ना आप कुछ किए, बार बार डिस्टर्ब करता रहा, बार बार डिस्टर्ब करता रहा। तो एक दिन मेरे को फोन करा और फोन करके मैंने उसका जितनी अमाउंट आई थी उसका चेक भेज दिया और खत्म। मतलब वो डिस्टर्ब करना जो है हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है। पैसा कमाने की कोई बात नहीं, जो पैसा कमाना है पैसा कमाना तो हमारा सभी का मकसद है, सभी का धर्म है हमारा सपोज पैसा कमाना, तो हम धर्म भी बोल सकते हैं क्योंकि हम काम कर रहे हैं। जब हम काम कर रहे हैं तो काम करने के लिए, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तो पैसा कमाना ही है। लेकिन जब ऐसा कोई आदमी इन्वेस्टर आपके पास आ जाता है तो आपको 24 घंटे शाम सुबह वो मतलब फोन कर करके परेशान करेगा, क्या हुआ जी, क्या नहीं हुआ। जब भी आपके पास इन्वेस्टर आए उसके साथ बिल्कुल क्लियर कट बात करो कि भाई कितना पैसा लगाना है, कितने समय के लिए लगाना है, कितना आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और किस तरीके से हम आपको पैसा वापस करना है, रिटर्न कैसे करना है। या आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी लेके आपने रजिस्ट्री करवा लो, इंतकाल उसके नाम पे करवा दो तो वो जाने, या कोई भी कुछ जो मर्जी करे। लेकिन कई बंदे ऐसे आते हैं, नहीं सर हमने आपके साथ ही काम करना है, आपके साथ ही रहना। मेरे को तो, मेरे पास तो ऐसे बंदे बहुत ज्यादा है जो कहते हैं जी नहीं हम तो आपके साथ ही जुड़ के बात करनी चाहते हैं, आप करना चाहते हैं। तो फिर मैं ये फार्मूला अपना रखता हूं कि मेरे टेम्परामेंट के मुताबिक कौन कौन से इन्वेस्टर मेरे साथ हैं। और जो आदमी जो किसी का 20 लाख रुपए लगाए या 50 लाख रुपए मेरे साथ लगाए, वो ये ना हो कि कोई दो दिन के लिए किसी की पेमेंट लेट हो जाए, कई बार गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार कोई और प्रॉब्लम आ सकती है, ये ना हो कि दो दिन की पेमेंट लेट हो जाए और आपका वो जीना दुब्र कर दे। मैं इन दिनों में तो मैं खास करके ध्यान रख रहा हूँ, जो मेरे पास इन्वेस्टर आ रहे हैं तो उनके साथ प्रॉपर इंटरव्यू करता हूँ, मैं प्रॉपर बात करता हूँ, प्रॉपर उनको आश्वासन भी देता हूँ जो आश्वासन हो सकता है। तो बाई बैक गारंटी भी हम देते हैं, लेकिन बाई बैक गारंटी देने के बाद भी कई लोग बार बार फोन करते हैं, परेशान करते हैं, उन बातों से हमने बचना है। क्योंकि जब आपको कोई आदमी परेशान करेगा, वेन योर आउटपुट जो है आपकी कम हो जाएगी, वेन योर मतलब उसमें कहते हैं जब टेंशन आपके ऊपर जाती है, योर टेंशन इज अप ऐसे जाएगी तो प्रोडक्टिविटी नीचे आएगी। वेन योर स्ट्रेस लेवल गोज अप, स्ट्रेस लेवल गोज अप, योर आउटपुट या योर प्रोडक्टिविटी कम्स डाउन। तो हमने स्ट्रेस लेवल से बचना है। इन्वेस्टर सबको अच्छे लगते हैं, आने चाहिए, हमारे पास भी आते हैं, आपके पास भी आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन उनके साथ आपने क्लियर कट टर्म्स पे बात करनी है। कोई बात नहीं, दो बंदे नाराज होकर चले जाएंगे, चले जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप किसी लालच की वजह से उनको साथ में लगा लो और वो आपको हर महीने हर 10 दिन बाद डिस्टर्ब करते करना शुरू कर दे। सो इन बातों से बचना। मैं खास करके जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई जो है वो थोड़ा सा इस बात को थोड़ा लेके चलते हैं कि जब उनका एक बार पैसा लग जाता है वो ज़्यादा बार बार आते हैं और बार बार हर महीने उनको रिपोर्ट मतलब देनी पड़ती है या कुछ करना पड़ता है। मतलब सिंपल बात यह है, मैं एम्प्लॉई के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी इन्वेस्टर के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपकी पीस ऑफ माइंड के हक में हूँ
आप अपनी पीस ऑफ माइंड इस तरीके से मेंटेन कर सकते हो कि जिस भी इन्वेस्टर से आप बात करनी है उसके पूरी तरह से इंटरव्यू लेके, उसके बारे में जानकर, उसके पैसे के बारे में जानकर, उसके समय के बारे में जानकर उससे बात करो और उनकी इन्वेस्टमेंट करो, ताकि आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो मेंटेन रह सके। जब आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तो आपकी जो आर्थिक पोजीशन है वो भी खराब कर देते हैं, और आपकी जो पीस ऑफ माइंड तो खराब हुआ, आर्थिक स्थिति भी खराब, और समाज में भी कोई ना कोई ऐसी तैसी मतलब कोई बातें घूमनी शुरू हो जाती हैं जो आपके खिलाफ चली जाती हैं। तो मैंने ये इसीलिए मैं मतलब आपको बार बार यही कहता हूँ कि जो आप इन्वेस्टर के तौर पर आपके साथ परिवार में जुड़ रहा है, आपके परिवार में जुड़ रहा है इन्वेस्टर के तौर पर, तो उसका आपने ध्यान भी रखना है, क्योंकि कोई बंदा आपको पूरी ज़िंदगी की कमाई ला के आपको दे रहा है, उसका भी ध्यान रखना है। ये ना हो कि उसका पैसा डूब जाए या उसकी कोई ऐसी बात हो जाए। तो आपने हर एंगल से देखना, लेकिन अपनी पीस ऑफ माइंड हर हालत में मेंटेन करनी ही करनी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और इसके ऊपर कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा देना। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे। थैंक यू।